मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मेरठ थाना निसाड़ी के क्षेत्र के सुहेल गार्डन फतुल्लापुर पड़ोस में रहने वाली एक महिला के घर लड़कों का आना जाना लगा रहता था और पीड़ित के घर मोटरसाइकिल उसके दरवाजे पर खड़ा करने का विरोध भी, जहां पर बदमाशों ने युवक के पेट में गोली मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका। जानकारी के अनुसार बता दें कि युवक के दोस्त अरशद ने बताया है कि पड़ोस में रहने वाली महिला उसके घर काफ़ी समय से आना जाना लड़कों का लगा रहता था। मोटरसाइकिल यह लड़के किसी भी तरह से लेकर आते थे और यहाँ पर खड़ा कर देते थे। बदमाश किस्म के लड़के 8:30 बजे बता दें कि आरोपी सलमान पुत्र अनवर निवासी लक्ष्मीपुरा गली नंबर 18 ने घायल जहाँ पर गुलफाम के घर के दरवाजे पर आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी थी, जिसके विरोध में गुलफाम ने किया सलमान व उसका दोस्त शाहरुख गाली गलौज करते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसमें बता दें कि मारपीट के दौरान ही आसपास के लोगों के बीच बचाव करते हुए उसके बाद सूत्रों से पता लगा कि गुलफान अपने साथियों के साथ बैठकर एंजॉय पार्टी कर रहा, नशे में ज़्यादा हो गया है। नशे के दूत को देखते हुए कुछ ही देर पर सलमान अपने साथी शाहरुख खान और 8 से 10 अज्ञात साथियों के साथ उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें बता दें कि एक व्यक्ति मौके पर घायल हो चुका। प्राइम बीकी न्यूज शनी के लिए आप देख सकते हैं सज्जाद खान, मेरठ, उत्तर प्रदेश। जी मामला ये हुआ है, ईद का एंजॉय कर रहे थे, 2-4 लड़के बैठे हुए वहाँ गली में। हाँ। वहाँ पर एक मकान है आकिल का। हाँ। उसमें हम आते हैं, लड़के बदमाश टाइप भी आते हैं। हाँ। लफंगे टाइप भी आते हैं, मतलब अपना गलत काम करने आते हैं। हाँ। तो आने के बाद में यहाँ को उन्होंने गाड़ी रोकी तो जहाँ ही बैठे थे उनके आके टच हुई लगी। हाँ। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम। हाँ। वो उन्होंने एकदम बदतमीजी शुरू कर दी। बदतमीजी शुरू होने के बाद में हाथ अपाए हुए चले गए। उसके बाद में अपना भीड़ बैठे रहे, फिर आने के बाद में थोड़ी देर बाद आए, आधे घाते फायरिंग करते हुए आए और सीधी इसके बैठे हुए में मारी गोली। अच्छा, इसमें इसके पास रुपए भी थे कुछ? इसके पास पैसे थे, 40-50 हज़ार रुपये शायद थे इस पे इतने, क्योंकि अभी मकान का बैनामा करने वाला था। अच्छा। हाँ, तो वो पैसे भी लेके गए कि नहीं? हाँ, पैसे वैसे सब उनके हम तो भग लिए जी दूर से, हम तो अपने घर में से तुरंत ही निकले, हमारे सामने बस इतना हुआ जी। हाँ, तो पैसे निकाल के लेकर भागा? पैसे भी, पैसों का तो नहीं पता हमें। तो गोली मारने वाली किसी की पहचान हुई इसके अंदर? इसमें अभी पता नहीं, देखो किसने कौन क्या कहा है। हम तो इसे ले जब पहुँचे मौके पर तो पड़ा हुआ था, हम इसे लेकर टेम्पो में फौरन यहाँ हॉस्पिटल में आए और दूसरे में पहुँचे, वहाँ पता चला कि भाई यहाँ पर आईसीयू की सुविधा नहीं है। हम इसमें गुलफाम मुजंगे वहाँ क्या कर रहे हैं जी? पता नहीं, वहाँ पर बैठे हुए थे 2-4 दोस्त थे, ये बैठे हुए थे वहाँ पर अपना, तो इसी बस इस कारण में एक गाड़ी पर आए, इनसे आके लगी वो गाड़ी और जैसे इनके लगी तो इनके कुछ अकहा सुना हुई, मारपीट हुई थोड़ी बहुत, फिर वो चले गए। फिर दोबारा आए, आते आते उन्होंने फायरिंग करी, इनमें गोली लगी। ये घटना तुम्हारे सामने की? जी नहीं, ये हमारे जो पहले जो हुई थी वो तो हमारे सामने हुई थी, जब हम चले गए तो उसके बाद में तुरंत ही घटना हमें पता चली। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।